नमस्ते जी, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूँ प्रिया और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि पफिंग बिली चीज क्या है। मैं अपनी फैमिली के साथ एक स्टीम ट्रेन राइड में गई थी और आपको बता दूँ ये ट्रेन 10 नहीं 50 नहीं पूरे 65 साल से चली आ रही है। मेलबर्न का ये एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, सच में देखने लायक है। ट्रेन इतनी वेल मेंटेन्ड है और यहाँ की ग्रीनरी नेचर उसका क्या कहना। ये एक्सपीरियंस बहुत ही अनोखा है क्योंकि बहुत कम ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम कुछ ट्रेडिशनल देख या एक्सपीरियंस कर पाते हैं। ट्रेन तो ट्रेन, इवन स्टेशन में बेल का साउंड, ड्राइवर्स, स्टेशन मास्टर्स की ड्रेसेस, उनकी लवली एंड वेलकमिंग स्माइल्स, स्टेशन प्लेटफॉर्म, पुराने जमाने का घड़ियाल, पोस्ट बॉक्स वगैरह वगैरह, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ओपन कैरियज तो है ही, इनके स्पेशल इवेंट्स एंड लंचेस भी होते हैं ट्रेन में जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड उनके कंपार्टमेंट्स डिफरेंट हैं। हम लोग ओपन कैरियज में गए थे बलग्रेव स्टेशन से लेक साइड स्टेशन। वहाँ पर एमरल्ड लेक पार्क है जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ पिकनिक, स्विमिंग या कोई राइड्स, वाटर राइड्स इंजॉय कर सकते हैं। वहाँ आप फूड भी परचेस कर सकते हैं अगर आप अपने साथ फूड कैरी ना कर रहे हो तो। स्विमिंग के लिए आप कॉस्ट्यूम ले जाना ना भूलें, जैकेट भी ले जाएं क्योंकि शाम में स्पेशली काफ़ी ठंड हो जाती है। और हाँ, अपने बच्चों को साथ में ज़रूर ले जाएं। तो चलिए मैं आपको अपना सफ़र दिखाती हूँ और बताइएगा आपको कैसा लगा। ला 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 हम जो चलने लगे चलने लगे हैं ये रास्ते, हाँ हाँ, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। हो जाए हम, हो जाए हम, यूँ ना पता, आओ मिलो चले जाना कहाँ ना हो पता। हम जो चलने लगे चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। बैठे बैठे ऐसे कैसे कोई रास्ता नया सा मिले, जो चलने लगे चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। बेखुदी यहाँ वहाँ देखो कहाँ लेके जाने लगी बेखुदी, आओ मिल जाएगा होगा चाहा रास्ता, आओ मिलो चले जाना कहाँ ना हो पता। हम जो
चलने लगे, चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। चलो ना ढूंढे शहर एक नया, जहां मुस्कुराहटे हैं बिखरी, जहां से गम का मौसम गया, जहां मीठी बातें हर एक अजनबी से हो, भूले हम भी जो सारी फिक्रें, लम्हा लम्हा खुशियां बिखरे, इधर उधर और यहाँ वहाँ, चाहे वही दिल कहे जहाँ। बेबे 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 चलो ना गाए नए नए गीत, खेल ऐसा क्यों ना कोई खेल, जिसमें सभी की हो जीत, इन दिनों फूल तारे कोई भी देखता नहीं, देखे उनको दीवाने होके, कोई कितना भी हमको दुखे, खुली हवा हो खुला समा, जागे हुए हो सब अरमा, बेबे 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 है ये दुनिया, भूल सा
सारे झमेले देख फूलों के मेले बड़ी रंगीन है ये दुनिया रुम दुम दानन रत दुम दानन रुम दुम दानन रत दुम दानन रुम दुम दानन रत दुम दानन भैया रास्ता है कह रहा अब मुझसे मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे दिल को है क्यों ये बेताबी किससे मुलाकात होनी है जिसका कब से अरमा था शायद वही बात होनी है यूं ही चला चल रही यूं ही चला चल रही जीवन गाड़ी है समय पहिया आंसू की नदियां भी हैं खुशियों की बगियां भी हैं रास्ता सब तेरा तक है भैया यूं ही चला चल रही यूं ही चला चल रही कितनी हसीन है ये दुनिया फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले बड़ी रंगीन है ये दुनिया देखो जिधर भी इन राहों में रंग पिघलते हैं निगाहों में ठंडी हवा है ठंडी छांव है दूर वो जाने किसका गांव है बादल ये कैसा छाया दिल ये कहां ले आया सपना ये क्या दिखलाया है मुझको हर सपना सच लगे जो प्रेम अगन जले जो राह तू चले अपने मन की हर पल किसी से मोती ही तू चुने जो तू सदा सुने अपने मन की यूं ही चला चल रही यूं ही चला चल रही कितनी हसीन है ये दुनिया फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले बड़ी रंगीन है ये दुनिया अपने को कुछ ऐसे हल्का पाए जैसे कंधों पे रखा बोझ हट जाए जैसे भोला सा बचपन फिर से आए जैसे बरसों में कोई गंगा नहाए जैसे बरसों में कोई गया है ये मन खुल सा गया हर बंधन जीवन अब लगता है पावन मुझको जीवन में प्रीत है होठों पे गीत है बस ये ही जीत है सुन ले राही तू जिस दिशा भी जा तू प्यार ही लुटा तू दीप ही जला सुन ले राही यूं ही चला चल रही यूं ही चला चल रही कौन ये मुझको पुकारे नदियां पहाड़ झील और झरने जंगल और वादी इनमें है किसके इशारे यूं ही
ही चला चल रहा ही यूं ही चला चल रहा ही कितनी हसीन है ये दुनिया फूल सारे झमेले देख मुझसे मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे उम्मीद करती हूँ आपको हमारा सफर पसंद आया होगा। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा प्यार एंड सपोर्ट जरूर दीजिएगा। और आप तो जानते ही हैं इसके लिए आपने क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए एक्सपीरियंस के साथ अगले वीडियो में, तब तक ले बाय शबा खैर। एंड आपको बता दूं कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू फॉर योर टाइम फैमिली एंड आई विल सी यू ऑन माई नेक्स्ट।